अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी स्मोकर जब स्मोक करता है तो उसकी बोन्स ड्यू टू स्मोकिंग किस किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकती हैं, मतलब स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बोन्स पे क्या क्या हो सकते हैं। स्मोकिंग इम्पीड द हार्मोन कैल्सिटोनिन विच बिल्ड्स द बोन्स। जब कैल्सिटोनिन इम्पीड होगा तो बोन्स वीक होंगी। सेकेंड इफेक्ट स्मोकिंग का, स्मोकिंग इंक्रीज द हार्मोन कॉर्टिसोल लीडिंग टू द बोन ब्रेक डाउन। थर्ड इफेक्ट स्मोकिंग का, स्मोकिंग डैमेज द ब्लड वेसल्स इंटरप्टिंग द सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द बोन्स काजिंग द फ्रैक्चर। अब स्मोक के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बोन्स को इफेक्ट करते हैं, उसमें निकोटीन आ जाता है, फ्री रेडिकल्स हैं और ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं। फोर्थ इफेक्ट जो इन केमिकल्स की वजह से होता है उनमें है निकोटीन एंड फ्री रेडिकल्स किल्स द ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, विच आर द सेल्स दैट मेक्स द बोन्स। जब ऑस्टियोब्लास्ट ही नहीं होंगे तो बोन्स नहीं बनेगी। स्मोकिंग की वजह से हमारी बोन्स पे मेजर चार इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। नंबर वन, कैल्सिटोनिन इम्पीड हो रहा है, उसके होने की वजह से बोन्स वीक हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ क्या है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है। कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारी बोन्स को फर्दर डैमेज कर देगा। थर्ड, ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही हैं। और फोर्थ क्या है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं वो किल हो जाती हैं ड्यू टू निकोटीन एंड फ्री रेडिकल्स। थैंक यू सो मच।